taking place in Delhi. At least 123 Waqf properties are currently on the center's radar. The center has sent a notice to the Waqf board and said that they will conduct surveys at all properties mentioned in that notice. This comes after the Waqf board failed to file a response to government's notice. Remember, the government had sent this notice much earlier, and this is an exercise that's not just new to the national capital, but was one that was also conducted in the state of Uttar Pradesh by the Yogi Adityanath led government. And now the heat is being faced by the Waqf board in the national capital of New Delhi. For more details, let's quickly go across to our reporter Nikhil. Also, Khurram Ali Shahzad of News 18 is joining me with the latest. Khurram, kya jankari de sakte hain hame? Waqf board ka kya kehna hai? Kyun nahi wo response time pe file kar paaye? देखिए, वक्फ बोर्ड का कहना ये है कि ये जो पैनल बनाया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उन्होंने इस पैनल के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर दिया था कि इसको ठीक से नहीं बनाया गया, ये इस मामले को हैंडल नहीं कर सकता, ये गलत तरीके से बनाया गया है, इसको उन्होंने आप कानूनी आधार पर इसको चैलेंज किया था, इसलिए वो इस पैनल के पास ही नहीं गए, जिसमें एक हाईकोर्ट के जज थे और एक एसडीएम थे, दो लोग इसमें शामिल थे, लेकिन हाईकोर्ट इसके पास नहीं गया, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अब कोई इसके सामने पक्ष नहीं रखा था, इस वजह से सीधे तौर पर जो अर्बन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड का अब 123 प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है, और दिल्ली की जो अलग अलग जैसे जोरबाग की प्रॉपर्टी है या फिर पंडा रोड है या फिर इंडिया गेट के आसपास की जो तमाम मस्जिदें हैं, बाजाबता इसका जो सर्वे है वो पहले भी हो चुका है, 2004 में सर्वे हुआ, 2014 में जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त इन प्रॉपर्टी को देने की बात की जा रही थी, उस विश्व हिंदू परिषद ने बाजाबता इसको अदालत में चैलेंज किया था, और लेकिन इस सब के बीच में नोटिफाई कर दिया गया इन प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करने के लिए, लेकिन ये मामला अदालत में चलता रहा, फिर इस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया 2021 में, अभी दो साल पहले ही फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने दो मेंबर की जो कमेटी बनाई, एक मेंबर की कमेटी इससे पहले बनी थी 2014 से पहले, उसने सीधे तौर पर इन प्रॉपर्टी को पर जो रिपोर्ट दी उसमें जो सिफारिश की गई वो क्योंकि साफ नहीं थी, इस आधार पर दूसरी कमेटी बनाई गई थी 2021 में, और उसके सामने दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं गया, यही वजह है कि इस तरह का ये ऑर्डर आया है। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि वो न सिर्फ इस ऑर्डर को का जो है बाजाबता लेटर लिखकर जवाब देगा, बल्कि उसने क्योंकि पहले ही इसको चैलेंज कर रखा है, 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये फिर ये प्रॉपर्टी वापस देने की बात कर दी, वो फिर चैलेंज हो गया। अच्छा, ये जो रिपोर्ट दी थी, ये क्या रिपोर्ट आई, क्या कहा गया इसमें, क्या सिफारिश की गई, इसका कोई खुलासा मेरे पास नहीं है। अच्छा। बट ये था कि ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये वापस जानी चाहिए। अब क्या रिकमेंडेशन सर्टेन हुई है, क्योंकि जब ये सेकंड दो मेंबर कमेटी बनने की बात आई तो उसमें यही था कि एक मेंबर कमेटी ने ये वाजे नहीं किया है कि क्या स्टेप्स लेना चाहिए, सो देयरफॉर दो मेंबर कमेटी बनी। ये दो मेंबर कमेटी क्योंकि 2004 से मामला शुरू हुआ, 2014 में ये वक्फ प्रॉपर्टी देने की बात आई, दी गई, नोटिफिकेशन निकला, तो ये दो मेंबर कमेटी ये कब बनी? ये 2021 में बनी। अच्छा, अभी? जी, और ये फिर उसके बाद कुछ मसाजिद को या जो भी प्रॉपर्टीज के थे उनके पास नोटिस गया, वक्फ बोर्ड इज द मेन पर्सन, तो वक्फ बोर्ड को दिया। ऐसे इससे जो आपने नोटिस देखा इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि ये जो नोटिस आया है जो सब जगह जो 123 प्रॉपर्टी पे चिपके होने की बात जो बताई जा रही है और दिखाई भी दे रही है, क्या इसको वक्फ बोर्ड को चैलेंज करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर उनकी कोई ग्रीवांस है कमेटी के बारे में, कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अगर कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है उसके बारे में, तो दे हैव ए राइट टू चैलेंज इट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो पूरी हिस्ट्री है, या कहना चाहिए कि पूरी तफसीलात हैं कि आखिर कैसे ये विवाद शुरू हुआ और अब तक इसमें क्या क्या होता रहा। कैमरामैन रनीश सैनी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। Alright, let's quickly go across to Nikhil, who is also joining me. Nikhil, you heard what Khurram has to say, that there's a history to this entire case. In fact, let me take that question from Khurram. Khurram, aapne puri history ki baat ki, to Muslim Waqf Act of 1960 ki agar baat kare, to wo saaf-saaf is in properties ko jo Waqf occupy kar raha hai, isko
पूरी तरह से खारिज करता है, पर अक्सर देखा गया है कि वक्फ बोर्ड 1989 का एक ऑर्डर गवर्नमेंट का अपने एडवांटेज के लिए यूज कर लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इस पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देंगे हमें? देखिए, क्योंकि सरकार की जो मंशा होती है, या फिर दूसरे तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 भी है, और उसके बाद फिर वक्फ एक्ट 2013 भी है, तो ये अलग अलग वक्फ एक्ट हैं, अलग अलग प्रावधान हैं, और इसी के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग तरह के ऑर्डर आते हैं। खासतौर से 2013 में जिस तरीके से वक्फ एक्ट बनाया गया, उसमें ये कहा गया कि अगर जो एक बार वक्फ हो गई वो ऑलवेज वक्फ रहेगी, तो ये तमाम चीजें होती रही हैं। क्योंकि सरकार जब 2014 में चुनाव होने वाले थे, उस समय यूपीए सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने बाजाबता एक सर्वे को मानते हुए, जो 2014 में एक मेंबर कमेटी की तरफ से हुआ था, उस सब के बीच ये 123 प्रॉपर्टियां माना के ये प्रॉपर्टियां जो है वो हम इन जिस तरीके से यूज हो रही हैं वो इन लोगों को दे दी जानी चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने इसको साफ तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था, और फिर उसको चैलेंज होने की वो पूरी हिस्ट्री अब मौजूद है। जी खुर्रम, हमारे साथ बने रहिए। इनफैक्ट ऑन दैट नोट, लेट मी ऑल्सो प्ले आउट अ रिपोर्ट दैट हैज बीन सेंट बाय न्यूज 18's खुर्रम अली शहजाद। दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी को अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अपना बताने के लिए नोटिस लगा दिया है। ये देख सकते हैं, लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। ये नोटिस जो लगा हुआ है, ये फिर पंडार रोड की मस्जिद है, वहाँ पर ये नोटिस लगा है, जिसमें जो सीधे तौर पर शहरी मामलों के का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसकी तरफ से नोटिस लगा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो बातें इसमें कही गई हैं उसमें इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। खास तौर से जिस तरीके से आप देखें, ये जो कहा गया है कि ये जगह जो है वो नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की नहीं है। हालांकि ये मामला 2014 से ही तूल पकड़ रहा था। अगर 2014 में देखें तो यूपीए सरकार की तरफ से बहुत सारी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको डीनोटिफाई किया गया था, मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में एक जो पैनल बनाया गया, दो रुकनी पैनल, उसको भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना है कि हमने उसको चैलेंज कर दिया था। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो सीधे तौर पर ये नोटिस दिख रहा है, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर इस तरह का नोटिस लगाया गया है। जो भी तमाम प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो जोरबा की प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर इंडिया गेट के आसपास आने वाली जो दूसरी मस्जिदें हैं वो तमाम प्रॉपर्टियां हो, उन तमाम प्रॉपर्टियों पर भी इस तरह का नोटिस लगाया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि हमने ये जो पैनल बनाया गया था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, हमने इसको बनाने को ही चैलेंज किया है। लेकिन अभी जो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है वो सीधे तौर पर ये नोटिस है, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम वो तमाम 123 प्रॉपर्टीज वापस ले रहे हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड को यूपीए सरकार के दौरान 2014 में दे दी गई थी। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ खुर्रम शहजाद। All right, and with that, for more details, let me quickly go across to Nikhil, who is joining me with the latest. Nikhil, going by what Khurram has to say in his reports, let's also highlight what are these prime properties that we are talking about, A. B, as Khurram was highlighting the fact that the Wakf Board has been dodging the panels ever since 2014. What is the guarantee that they will finally be under the scanner now? Well, Akansha, as far as the details are concerned, yes, there were two-member committee, which is one committee, and then before as well, one-member committee was formed, which is being said that they provided the matter in favor of the Delhi Wakf Board. But as far as the second committee is formed, and the matter, which is also mentioned in the notice as well, which is pasted outside 123 Wakf Board property, it clearly says that the Wakf Board, who is the main stakeholder, they did not appear multiple times. In fact, many of the opportunities were given, not just for the first time, second time and third time as well. They did not appear any time in front of the two-member committee. And now we have spoken to Amanatullah Khan as well, who is associated with the Delhi Wakf Board. He is clearly saying that we do not mean anything for this two-member committee. We are challenging that particular thing. The central government as well, they have no right to paste these kind of orders, these kind of notices outside 123 properties, and also they are going to write a letter not just to the Ministry of Housing and Urban Affairs, but also they are in process of